जाएंगे तो आपका आएगा मामला बैरिया टाउन वाला, उल्टे हाथ के मुड़ेंगे तो लियाकताबाद को जाएगा रास्ता, तिनट्टी को जाएगा, और जो जाएगा वो जाएगा गुरु मंदिर को, नुमाइश को, सदर को, टावर को, उल्टे हाथ वाला रास्ता जाएगा। और जो सामने आप जो ब्रिज देख रहे हैं, ब्रिज वो ब्रिज है जो कि यहाँ के साधु समागम मिलाते हैं पूरे पाकिस्तान से, और पूरे पाकिस्तान को सप्लाई जो है इस ब्रिज से सप्लाई जाती है, कि ये नेटी जटी से जो भी माल जाता है वो इस ब्रिज से होते हुए पूरे पाकिस्तान में फैलता है। तो इस एरिया की वैसे ही बहुत बड़ी अहमियत है इस शाहरे की वजह से। तो इस अंडरपास के बनने से ये होगा कि जितना भी एक ट्रैफिक का मामला था वो बेहतर हो जाएगा। दूसरी बात इसमें यह है कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स आ रहे हैं या इंटरनेशनल जो आ रहे हैं जिनको इस नेशनल स्टेडियम से असगर अली शाह जाने हैं प्रैक्टिस करने, जैसे अभी PSL की अगर बात करें तो PSL में अगर कोई स्टेडियम में खेलने जा रहा है तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए जगह चाहिए। तो अगर उसको नेट प्रैक्टिस करनी है तो अगर वो असगर अली शाह जाता है, असगर अली शाह स्टेडियम जो कि बना हुआ है आई ब्लॉक डिसिल्वा चौकी के पास, तो वो इस शाहरे को लेते हुए जाएगा असगर अली शाह की तरफ। और इस शाहरा की अगर बात करूँ तो इस शाहरा की ख़ास बात यह है कि यहाँ बड़े बड़े सियासतदान से लेकर बड़े बड़े एक्टर और बड़े बड़े लीजेंड्स क्रिकेटर आ चुके हैं। उसकी ख़ास वजह यह है कि जो सामने आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स की सारी शॉप्स हैं, और जो स्पोर्ट्स की शॉप है इनमें से एक शॉप जो है जावेद मियां दाद के भाई का आउटलेट है, और उस आउटलेट का नाम है मियां दाद स्पोर्ट्स। तो उस स्पोर्ट्स पे काफ़ी लोग चीज़ें ख़रीदने आते हैं, जिसमें राशिद लतीफ़, आज़म ख़ान, बाबर आज़म, मुईन ख़ान, राशिद लतीफ़, इमरान ख़ान साहब, वसीम अकरम, मुकार यूनुस और बहुत सारे लीजेंड्स आते रहते हैं। और साथ साथ जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर हैं उसमें सरत जयसूरिया, ब्रेडली, मलिंगा, वो भी यहाँ से आके चीज़ें ले चुके हैं। और इस एरिया की बात ख़ास ये है कि यहाँ आपको जो है प्रिंटिंग वाले, पेनाफ्लेक्स वाले मिलेंगे, जनाना मर्दाना बचकाना कपड़ों के हवाले से यहाँ मार्केट मिलेगी, ग्रोसरी और कन्फेक्शनरी के हवाले से आपको यहाँ चीज़ें मिलेंगी सस्ते दामों में। और यहाँ जितने भी मेहंदी कोन हैं, मेहंदी डिज़ाइन है, आपको सबसे अच्छी यहाँ मिलेंगे। काशी, फेबुला, महारोज, रोज़ ब्यूटी पार्लर से अच्छी पॉलर और जो मेहंदी के डिज़ाइन हैं आपको यहाँ मिलेंगे। साथ साथ यहाँ ख़ास बात यह कि यहाँ जो है करीबी जो है वो हुसैनाबाद पुलिस स्ट्रीट है, और सामने ही काका भवानी और मेमन फाउंडेशन है। अच्छा, आप पूछेंगे कि काका भवानी या मेमन फाउंडेशन है क्या? कराची में जो 80% जो माएँ आज बनी हुई हैं, जो दादियाँ बनी हुई हैं, जो नानियाँ बनी हुई हैं, उन्होंने जो भी सिलाई कढ़ाई का काम सीखा है वो इस काका भवानी या मेमन फाउंडेशन से सीखा है। आप इस चीज़ को इंडोर्स करेंगे और इस चीज़ को सेकेंड करेंगे, जितने भी यहाँ की माएँ हैं उन्होंने अपने बच्चियों को सिलाई कढ़ाई के लिए हमेशा काका भवानी या मेमन फाउंडेशन भेजा है। हमेशा से सिर्फ और सिर्फ ये बच्चियों को सिखाने का एक इदारा था, और जो अभी भी काम कर रहा है अच्छे तरीके से। तो इस शाहरा को कराची की हर नानी, दादी, माँ, बहन ने इस्तेमाल किया है, क्योंकि वो जाके काका भवानी या मेमन फाउंडेशन पर सीखती थी। तो जो काका भवानी मेमन फाउंडेशन, इसकी बात तो है इस फेडरल मीडिया के सेंटर ऑफ द सिटी में, साथ साथ यहाँ हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट है जहाँ आपको मिलेंगे सारे खाने जो कि चाइनीज़, लोकल, इंटरनेशनल और मारवाड़ी खाने आपको यहाँ मिलेंगे इस फूड स्ट्रीट पे। साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो ये जो शाहरा है इसकी एक ख़ास बात ये भी है कि ये जो शाहरा है यहाँ जो है सामने बना हुआ है मीना बाज़ार और फैसल बाज़ार, और इस मीना बाज़ार और फसल बाज़ार में हमेशा से जो है चीज़ें काफ़ी सस्ती मिली हैं, काफ़ी इकोनॉमिकल मिली हैं। और मेरी ये गारंटी है कि अगर आपको पूरे पाकिस्तान, पूरे कराची, पूरे पाकिस्तान में कोई चीज़ ख़रीदनी है सस्ते दामों में तो आप करीमाबाद से लेके जा सकते हैं। यानी अगर आप जोड़िया बाज़ार की बात करते हो तो उससे भी सस्ते दामों में यहाँ चीज़ें मिल जाती हैं, या कन्फेक्शनरी, ग्रॉसरी और बाकी आइटम यहाँ मौजूद हैं। फूड स्ट्रीट की अगर बात करें तो हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट तो यहाँ है, साथ साथ ये भी फूड स्ट्रीट बन रही थी, जैसे कि आपने देखा कबाब जी बेकर्स हैं यहाँ, अभी एक दो रेस्टोरेंट और खुलने थे मगर यहाँ अंडरपास बनना शुरू हो गया है। साथ साथ ये दिल्ली शाही है, इसी से आप आगे जाएंगे तो एक दो रेस्टोरेंट और हैं जो कि मार्केट में बने हुए हैं, बाकी ये मक्का होटल है जो कि यहाँ मौजूद है। तो ये फूड स्ट्रीट बनने वाली थी मगर अंडरपास बन गया, तो अंडरपास की वजह से यहाँ जितने भी वॉकिंग कस्टमर हैं वो टूट चुके हैं। जो दुकान वाले हैं उनका कहना है कि इनके